शहर के कई होटलों और रेस्टोरेंटों में होली को देखते हुए छापे मारे गए। इसको नष्ट कैसे कराएं? दस यहाँ बना है, है? जितने रेस्टोरेंट बताइए, पूछिए राजे क्या कहाँ पर छापा मारा, क्या बरामदगी हुई? होली के बाद तो देखिएगा करते हुए आज हम लोगों ने फूड विभाग को लेकर के सुरजन बार एंड रेस्टोरेंट और ये तंदूर होटल पे खाने को चेक करने के उद्देश्य से कि आया सफाई है कि नहीं, इसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने छापा मारा, जिसमें जो भी सामग्री भी पाई गई, जो लगा कि ये ठीक नहीं है, नष्ट करने हो गया, उसे नष्ट करा दिया गया। कुछ सामग्रियों के नमूने ले लिए गए, जिसे लाइब्रेरी लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है उसकी जांच के लिए। परीक्षण के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अंदर भी किचन की हालत देखा आपने? किचन की हालत बहुत ही गंदा है, जिसके लिए खुद के हमारे प्रभारी जो हैं इन्होंने बंद कराने के लिए किया। जब तक किचन की सफाई न हो जाए, अच्छा न हो जाए, तब तक वो बंद रहे। मावा भी बरामद हुआ है? जो माल हुआ उसका सैंपलिंग भेजा जा रहा है। कितने मावा पकड़े? नहीं, माल की अमाउंट नहीं, जो नष्ट होने लायक था उसे नष्ट करा दिया गया, यही है। क्या हो, सीज कर दिया गया तंदूर को? किचन को कर दिया गया, जब तक सफाई नहीं हो जाए तब तक किचन बंद रहेगा, क्योंकि उसके फर्श टूटे हुए हैं, गंदगी पड़ी। वहाँ फ्यूजन रेस्टोरेंट क्या मिला? वहाँ भी कुछ सामग्री नष्ट, पुराने बासी रखे हुए खाने मिले, जो चावल दाल थे या वो नॉन वेज थे, चिकन थे, ये सब नष्ट करा दिया गया। पनीर जो मिले उसकी सैंपलिंग भेजा जा रहा है। ये देखने में शहर में किसी भी होटल में पर्याप्त खाने योग्य नहीं मिल रहा है? नहीं, अब काफ़ी सुधार आया है, ऐसा नहीं है, खाने में अच्छा हो रहा है और चल रहा है, उसके लिए प्रयास हो रहा है। माननीय हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। त्यौहार को देखते हुए जिस तरीके से ये नकली मावा भी मिल रहा है, कुछ ऐसे सामान है जो जैसे मैदा है या फिर ये गले की बेसन है, ये मिलावटी मिल रही है, इस पर नहीं, सभी की सैंपलिंग ली जा रही है और नष्ट भी किया जा रहा है। इनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इनको अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि उसको सही कर लें, जिसके लिए लिखा पढ़ी में उनके साथ दिया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है। नागेंद्र सिंह।